भाई कंफ्यूज हो रहा है, दोनों ही बहुत क्यूट है यार। बता पास से भाई कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है तुम देख रहे हो। और यहाँ पे देखो अपना कुत्तू कैसे सो रहा है। माँ ये कितना, ये देखो मम्मी ये देखो। तो यार मैं हूँ अशोक चौधरी। तो आप देखो अपने आज की जो वीडियो है, आज अपन फाइनली अपन डॉग लेने वाले। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, बचपन से ना मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं अपने साथ एक डॉग रखूं, एक डॉग पालूं, उसके साथ में खेलूं, प्रॉपर बढ़िया सीन करूं। और तुम कुछ सोचो यार, वो दिन आ गया। मतलब मेरे लिए यार ये बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल ब्लॉग है। इस वीडियो को यार लास्ट तक देखना, ठीक है? मजा आने वाला है, सिंपल से एक वर्ड, मजा आने वाला है, ठीक है? फिर कुछ जगह मिलते हैं यार वीडियो बनाने। टाइटल तुम लोगों ने एकदम सही बोला, ठीक है? आज की वीडियो में अपन जा रहे हैं डॉग लेने। और जरा तुम लोग यार मेरा गेटअप देखो, ऊपर की अपनी वो स्टाइलिश वाली टी शर्ट। मैंने यार करीब 2 महीने बाद जूते पहने हैं और मुझे कपड़े पहन के इतनी सुपीरियर फीलिंग आ रही है ना। मतलब मैं स्पेशली उतावला था कि बाहर निकलूंगा कपड़े बढ़िया पहन के। इधर मम्मी से मिलाता हूँ। मेरे लिए दुख, परेशानी, दर्द सब लेने जा रही है, सब लेने जा रहा है। मैंने मम्मी और पापा को इतना मनाया ना कि देखो बचपन से ना मैं मम्मी को मनाता था, मम्मी कुत्ता लेना है लेना। मम्मी ने मुझे हर वक्त मना ही किया है और मैंने इस बार जैसे जैसे मम्मी को मनाया। मम्मी नहीं, मानी नहीं हूँ। हाँ मानी नहीं हूँ ना, मन से लेके आ रहा, मैं मानी नहीं हूँ, मगर मैं क्या करूँ, तू बात नहीं ना मानता है किसी का। तुझे मैंने अभी तक ब्रीड नहीं बताया ना कि मैं कौन सी ब्रीड लाने वाला हूँ कुत्ते की। नहीं मैंने मम्मी को देखो अभी तक बताया नहीं मैं कौन सा कुत्ता लाने वाला हूँ। तो एट लास्ट अपन लेके आते हैं, पापा और मैं गाड़ी से आ रहे हैं। हाय बोल दीजिए ऐसे, हाय। ये क्या? देखो पापा को मैंने स्पेशली बैंक की छुट्टी कराएगी, पापा और मैं गाड़ी चलेंगे, डॉग लेके आएंगे। तो देखो पापा ने गाड़ी निकाल ली है, तो अब जरा चलते हैं अपन। तुम लोग बताना कि ये मेरे नए चश्मे जो है कैसे लग रहे तुम्हें। और पापा का कहना है कि क्या आप मेरे बालों का नाम क्या बोलते हैं कि पीछे अगर रखूं। और पापा को ना बहुत गुस्सा आता था, मैं अपने बाल ऐसे करके करता हूँ ना मस्त एकदम, पापा बोलते क्या ऐसे कर रहा है पीछे कर रहा। लोग घर जाने के लिए अपने कैसे मतलब लगे पड़े लाइन में। वो देखो पुलिस वहाँ पे डंडा भी चला रही थी, मैंने देखा था अभी, तुम देख लो एक बार कितनी भीड़ है, सारे मजदूरों की है। तो देखो जितनी भी DTC बसेस लगी यहाँ पे, ये सारी यार रेलवे स्टेशन जाएगी उन मजदूरों को लेके, ठीक है? अपनी डेस्टिनेशन यहाँ से 350 मीटर की दूरी में। और तुम देखो यार जाम जाम लगा पड़ा है, और पहली बार मुझे जाम देख के मजा आ रहा है। तो देखो ये वो शॉप है, ठीक है? मैं शॉप में आ गया हूँ, ठीक है? और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे सामने यार 2 डॉग्स हैं और दोनों कि तुम ब्रीड पहचानना, ठीक है? मैं बता नहीं रहा, मेरे सामने हैं 2 यहाँ पे 3। भाई आप भी हो क्या? आप भी फॉर सेल हो? ये दोनों ही हैं, दोनों हाँ आपस में, और डार्क कलर के पप्पी हैं ये दोनों के दोनों ही। हाँ हाँ ठीक है। अराउंड ये 35 to 40 days ओल्ड हैं, और एक्टिविटी आप देख ही रहे हैं दोनों के दोनों। बहुत ये वाला बहुत ज्यादा एक्टिव है। डॉग्स तो देखो अपन को सारे पसंद है, लेकिन मुझे गोल्डन रिट्रीवर में बहुत ज्यादा प्यार आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा फैमिलियर डॉग्स ये, और भाई के हिसाब से इंटेलिजेंट डॉग बहुत है, है ना? वर्ल्ड के अंदर इंटेलिजेंट जो डॉग्स हैं उनकी कैटेगरी में ये भी सबसे नंबर सबसे ज्यादा मतलब अच्छे हैं। हाँ। ये देखो कैसे खेल रहे हैं। चलो पब्लिक यार तुम डिफरेंस बताओ इन दोनों में, डिफरेंस क्या? मतलब ऐसा नहीं मैं दोनों लेने वाला हूँ, लूंगा मैं एक ही, लेकिन मुझे वो चॉइस पसंद करना है अपना खुद यहाँ पे कि मैं कौन सा डॉग लूँ। भाई कंफ्यूज हो रहा, दोनों ही बहुत क्यूट है यार। सर जो आपने मेरे को डन करने के लिए बोला था वो ये पप्पी था, ये वाला था। बट ये ऑप्शन के लिए मैंने आपके लिए मंगा लिया था। अच्छा बोलते हैं तो ऑप्शन आपको दे सकता हूँ। अच्छा आप ये ना हो कि भाई मेरे को एक ही दिखाया और एक ही। अच्छा दोनों भाई भाई हैं। भाई मैं ना डिफरेंस नहीं कर पा रहा यार कौन सा सही रहेगा। पापा कुछ तो कुछ सजेशन। पापा को देखो, पापा को नो आइडिया है। एक्टिविटी है बढ़िया दोनों की सर, आप देख सकते हैं छोड़ते ही कितनी तेजी से खेल रहे हैं। तुम देखो मतलब ये वाला डॉग बहुत मुझे एक्टिव लग रहा है, कैसे खेल रहा है। भाई ये वाला नहीं खेलता। अच्छा ये भी खेलेगा यार। हाँ हाँ ये भी खेलेगा। ओए पलटी मार रहा है, जस्ट आए हैं तो थोड़ा सा नर्वस है। अच्छा थोड़ी देर आप खेलेंगे, अभी आपके सामने ही मैंने इनको बास्केट से निकाला है, रिफ्रेश हो जाएंगे। हाँ हाँ तो ये काफी एक्टिव हो जाएंगे। हमने दोनों में से ये वाला डॉग सेलेक्ट किया, और तुम लोग जरा मुझे यार कमेंट बताओ कि तुम्हें अपना गोल्डन रिट्रीवर लग कैसा रहा है। और हम इसका बहुत जल्दी नामकरण नेम भी हम बहुत जल्दी रखेंगे, और तुम लोगों को बताना है मैं इसका क्या नाम रखूं। इसका मतलब तुम लोग कमेंट्स करो, तुम लोग अपने से राय बताओ तुम लोगों को क्या नाम मैं इसका रखना चाहिए। तुम बता पास से देखो कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, तुम देख रहे हो। हाइपर एक्टिव डॉग भी है, मतलब खूब शैतानी एकदम फुल मास्टर फाइटर की तरह ये खेलता खेलता रहता है। सबसे पहले तो इसके लिए आपको सेरेलैक्स लेना पड़ेगा। सेरेलैक्स? अच्छा इसको आपका जो डॉग फूड होता है वो लेना पड़ेगा, कैल्शियम विटामिन होते हैं वो लेना पड़ेंगे, और आपका इसको जो कैल्शियम बोन होती है ये मस्ट भी इम्पोर्टेंट चीज है इसके लिए डॉग के लिए लेने के लिए। तो सर पूरी दुकान है। तो ये देखो ये सेरेलैक्स है, मतलब कितना चल जाता होगा ये? इसका अराउंड चल जाएगा 1 वीक के बाद। फिर आपने क्या करना है, इसका सेरेलैक्स बंद कर देना है, कंटिन्यू फूड करना है। फूड आप मिला सकते हैं उसको, जैसे कि आप एग मिला सकते हैं, बॉयल एग दे सकते हैं। अच्छा उसके अंदर। अच्छा दही दे सकते हैं। अच्छा। पनीर के पीस दे सकते। तो देखो मैं जितनी बातें बता रहा हूँ यहाँ पे सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर तुम लोग भी नया डॉग ले रहे हो, और ऑफ कोर्स तुम्हारा मास्टर अगर नया डॉग ले रहे हैं, तो ये सारी बातें मुझे भी जानना बहुत जरूरी है। पट्टे दिखा दो यार, कौन कौन से बढ़िया बढ़िया पट्टे। एक्चुअली क्या है, देखिए पट्टा आप ले जाने को ले जाइए, 3 मंथ तक आप इसके गले में पट्टा नहीं डालेंगे, उसका क्या होगा, अगर पट्टा डालते हैं तो पप्पी क्या होता है, पप्पी जानबूझ के उस पट्टे को खींचने की कोशिश करता है, उससे क्या होता है कि जिसकी गर्दन की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, पतली हो जाती है, लंबी हो जाती है। अच्छा ये स्मॉल वाले हैं। स्मॉल
बच्चे के लिए है ये। तो देखो यार ये बच्चों वाले पट्टे हैं, तो आप मेरे ख्याल से कोई भी एक निकाल दो। इसका नाम रख देना सर आप लॉकडाउन। लॉकडाउन में लिया यार। ये वही तो भाई, तो चवाया जा रहा है, याद रहेगा और हर किसी को याद रहेगा कि हमें लॉकडाउन में लिया था, इसलिए इसका नाम लॉकडाउन। पेडिग्री ले लिया ठीक है। और अब इससे कैल्शियम और विटामिन, हाँ ये दवाई है इसके ग्रोथ और हेयर के लिए। तो ये कैसे देना होता है मतलब? ये सर आपको इन दोनों में से ना एक एक ml देनी है सुबह शाम दोनों में से, पानी में, पानी में नहीं डायरेक्ट और फिर मुंह में प्रेस कर। चलो ठीक है फिर ये भी डन कर दो। ये कैल्शियम बोन है चू स्टिक। अच्छा अभी देखिए आपको दिखाता हूँ, ये चीज दिखाइए चबाते रहेगा। ये देखो हर चीज को पकड़ रहे हैं, टीथ निकलते हैं ना तो उनमें टीथिंग होती है। अभी इस तरीके की हरकत करें तो आप इसमें से एक स्टिक निकाल के इसको दे सकते हैं, तो ये इससे लगा रहेगा। ये देखो मैं इसके टॉयज भी निकाल रहा हूँ कि अपना खेलते रहे बढ़िया से। एक तो ये बॉल दे दो यार, दांतों में दबा के घूमता रहेगा। अच्छा हाँ तो ये भी बेटर है इसके। मैं कहते इतना सही रहेगा अभी के लिए, फिर आप बताओ और कुछ? नहीं अभी तो फिलहाल के लिए इतना। ये क्या है ये चिकन? ये सब ये ग्रेवी। हाँ ये ग्रेवी के पाउच आप ले सकते हो, लेकिन इसको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है टेस्ट चेंज करने के लिए। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा सा इसके फाड़िए, आधा पैकेट इसको सुबह दे दीजिए आधा शाम को दे दीजिए, इससे क्या थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है। हम लोग भी कभी करते हैं ना खाना खाते खाते सेम खाना बोर हो गए, ये देखो ये है ड्राई वॉश शैम्पू ठीक है। तो भाई इसमें क्या होता है मतलब? घर में रखेंगे लोग हाथ से छूटते हैं पकड़ते हैं तो हाँ, स्मेल हो जाती है, गंदा हो जाता है। हाँ, हाँ। निला हम सकते नहीं क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन की स्टार्ट नहीं हो जाती, दो कम से कम दो तीन वैक्सीन नहीं लग जाती जब तक नहीं निलाना होता है। अच्छा बॉडी पे स्प्रे करके हाँ हाँ और कपड़े से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा उससे क्या होगा फ्रेग्रेंस भी आ जाएगी, थोड़ा फ्रेग्रेंस भी हो जाएगी। तो देखो यार हमने ये सारी चीजें फाइनल किया और मेरे हिसाब से तो यार ये जरूरी भी थी और मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस यार। मेरे को नहीं पता डॉग का कैसे कैसे क्या होता है, मुझे अपना ही पता है, मेरा साबुन आता है, मेरा फेस वॉश आता है, मेरा शैम्पू आता है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है। लेकिन ठीक है लेते हैं अपन सारी चीजें फाइनल करते हैं। तो आज देखो ये सारे आइटम मुझे मिला के 3000 रुपए के पड़ गए। कोई भी डॉग या कैट तुम ले आओ ना ऐसे प्राइस कोई भी मतलब नहीं बोलना चाहिए, इसे अच्छा लगता है क्योंकि ऑफकोर्स वो भी कोई जीव ही है सामने, कोई ऑफकोर्स एनिमल कोई लिविंग चीज ही है, तो मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कि उसका प्राइस लेके बोलना कि मैंने इतना खरीदा, ये गलत है। रोड के बीच में अपना गोल्डन चल रहा है यूं पापा की गाड़ी एरी, इसको ले चलते हैं अंदर। चलो बेटा अब तुम अपने जा रहे हो नए घर में। तुम ये देखो कितना क्यूट लग रहा है, गाड़ी में बैठ गया अपना डॉगी, और मुझे अभी मैं बहुत कंफ्यूज है इसका नाम मैं क्या रखूं। दोपहर के अभी 2 बज रहे हैं ठीक है, और बाहर कड़कड़ा ही धूप है, और यहाँ पे देखो अपना कुत्तू कैसे सो रहा है मेरे हाथ पे। मुझे लग रहा है कि ना मैं दिल्ली से भी बाहर जा रहा हूँ फुल लंबी राइड में पापा के साथ, और यहाँ पे मतलब आराम से अपने कुत्ते के साथ घूम रहा हूँ मैं। देखो मैं तुम लोगों को बोलूंगा तुम लोग ना अपनी जिंदगी में कोई ना कोई पेट जरूर पालना ठीक है, अलग ही फीलिंग है। तो क्या सो रहा है मतलब मेरे साथ ऐसी होता है ठीक है, मैं गया था चश्मा पहन के, मैं आ रहा हूँ बिना चश्मे के क्योंकि मैंने चश्मा अपना छोड़ दिया शॉप पे। चेक मारो तुम्हें दिख रहा है उस तरफ ये क्या है? तुम देखो 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 देख रहे हो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, ये मेट्रो है ट्रेन है लग मुझे ये ट्रेन रही है देख रहे हो। One hour later. तो देखो ये रहा अपने पपी और सामने मम्मी आएगी गेट खोलेगी, देखना कैसा क्या रिएक्शन होगा ठीक है। मम्मी कैसा लग रहा है कुत्ता? ये देख बाबू का कुत्ता लग रहा है। मैं बाबू को दिखाता हूँ, हाँ कुत्ता कैसा लग रहा है? ये देखो बाबू देखो अच्छा लग रहा है, अपना कुत्तू आ गया। और देखो शीशे में दिखाता हूँ इसे, देखो कैसे देख रहा है कि मैं कौन से घर में आ गया। हाँ बेटा नया घर है तुम्हारा, ये अब से तुम्हारा ही घर है। ये देख कैसा लग रहा है, पकड़ पकड़ अब फोन मम्मी मम्मी। ये देखो मम्मी मम्मी को बहुत ज्यादा डर लगता है कुत्तों से देख रहे हो। ये देखो कुत्ते को तो देख रहा है ये देखो कैसे देख रहा है, ये भी देख रहा हूँ किस किस घर में आ गया मैं। मम्मी को देखो रिएक्शन एपिक रिएक्शन है। ये देखो मम्मी का रिएक्शन एपिक है, देख रहे हो देख रहे हो इसे कुत्तू। ये मैं इसका कटोरी लेके आया हूँ, ये इसका ट्रीट है, मीट मीट खाएगा ये। अबे ये सब नहीं देखते मम्मी, इसके जो बोन होते हैं ना बोन कैल्शियम वाले बोन स्टार्टिंग में दवाई देते हैं वो दवाइयां हैं इसकी। और ये सेरोलैक इसको बहुत पसंद आ रहा है दीदी को, इसका पट्टा और ये रंग बिरंगा नॉर्मल अपना जो पट्टा है वो बांधता मैं इसके ऊपर, अपना बड़ा ही धार्मिक कुत्ता है मंदिर में चला गया था। इतना पैसा लगा लिया। अरे तो यार जब तुम बाहर घुमाने ले जाएगा तो बड़ा सा डंड लेके आता ना, इसको 3 महीने तो बाहर ले जाना होता। दीदी
तू बता, मैं ना बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसके नाम रखने में, ठीक है। और दीदी ने मुझे सजेस्ट किया कि नाम कुछ ना अतरंगी मास्टर वाला टाइप मत रखियो। क्या रखना चाहिए तेरे हिसाब से, तू कुछ सोच ऐसा पब्लिक को। मैंने लड़का है अम्मी, तू अम्मी नाम क्या रखना चाहिए इसका? नाम पे रिसर्च करनी है, रिसर्च करनी पड़ेगी ना। सही बात है, जैसा तुमने देखा यार इस वाली वीडियो में अपन डॉग लेके आए थे। जितने लोगों को यार अपने कुत्तों को ब्रीड करना नहीं पता, मैं बताया तो गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड है उसकी, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा फैमिलियर डॉग है ये। फटाफट यार चैनल को देखो, सब्सक्राइब कर दो और घंटे का ऑप्शन डालो, क्योंकि यार देखो अब फटाफट ना व्लॉग आते रहेंगे अपने कुत्तों के साथ मजे करते हुए, ठीक है। नया फैमिली मेंबर ही हो गया मेरे साथ, एक ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक नया फैमिली मेंबर, वो भी बच्चे की तरह ट्रीट करना है, बच्चे की तरह रखना है। और मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी अब यार एक नई जिंदगी चालू हो गई है डॉग के साथ। और तुम्हें अगर यार नई जिंदगी में देखनी है और देखती रहनी है तो मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लो, अपन 4 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है। हाँ यार मास्टर बटर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, अब अपन अपने डॉग के साथ स्टोरी पोस्ट ढाढ़ डालते रहेंगे। तो जिन लोगों को मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना है इंस्टाग्राम पे आ जाओ, अपन बातें करते हैं बढ़िया सी। मैं मास्टर आपसे अगले में, तब तक के लिए गुड बाय।